चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो खबरों में, समाचारों में, विवादों में बने रहते हैं, समाचारों में सुर्खियां भी बटोरते हैं। इसी में से एक विषय है जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, वो है लेटरल एंट्री, नौकरी में लेटरल एंट्री का। आज का हमारा विषय भी इसी से संबंधित है। मैं आपका स्वागत करती हूँ चाणक्य IAS अकेडमी समसामयिकी में इसी विषय के साथ। विषय है हमारा नौकरशाही में लेटरल एंट्री। इसमें हम देखेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये एंट्री दी जाती है, प्रक्रिया क्या रहती है और इससे जुड़े हुए विवादों को, पूरे विषय को हम समझें। उससे पहले हम देखेंगे इस विषय से संबंधित प्रश्न को, ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, लैटरल एंट्री सिस्टम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, लैटरल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत सरकारी विभागों में बिना परीक्षा दिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है। कथन दो, इसके लिए कुछ वांछित योग्यताओं का होना जरूरी है, जैसे उम्र सीमा, कार्यकुशलता, कार्यानुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि। कथन तीन, लैटरल एंट्री सिस्टम के तहत उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होता है, उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, और अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने आपके डाउट्स हैं वो लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में आप इसके उत्तर अवश्य दीजिएगा। अब इस विषय को हम शुरू करने जा रहे हैं, चर्चा में क्यों है से। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशकों के आवेदन के लिए भारतीय नागरिकों को आमंत्रित किया है। ये जो आवेदन है, ये आवेदन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से आए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जो आवश्यकताएं संघ लोक सेवा आयोग को बताई हैं, उसी के आधार पर ये जो हैं आवेदन आए हैं, और आवेदन में राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान करने के इच्छुक प्रतिभाशाली और प्रेरित नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। ये सारे आवेदन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, यानी कि संविदा के आधार पर हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि ये आवेदन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, ये 3 से 5 साल के लिए हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये सारे आवेदन अनारक्षित हैं। यानी कि इसमें SC ST और OBC को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। चर्चा में क्यों है को हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि आखिर ये लैटरल एंट्री होती क्या है। लैटरल एंट्री को अगर साधारण भाषा में हम समझें तो किसी भी नौकरी को पाने के लिए कई सारे पड़ावों से गुजरना होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव होता है परीक्षा। इसमें किसी भी तरीके की परीक्षा तो नहीं देनी होती है, लेकिन कुछ योग्यताओं का होना उम्मीदवार में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इन योग्यताओं में शामिल है कि उम्र सीमा दी हुई होती है कि इस उम्र के बाद के लोग या इससे पहले के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। कार्यकुशलता, यानी कि वो अपने कार्य में कुशल हों, एक्सपर्ट्स हों, फिर कार्य अनुभव एक्सपीरियंस्ड हो, और उसके साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता। लैटरल एंट्री में उम्मीदवारों का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, यानी कि आवेदन आते हैं, आवेदन आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग उनकी योग्यता के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट करता है, और उसके बाद उनके डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। तो ये होता है बेसिकली सीधे शब्दों में लैटरल एंट्री। इसके बारे में पहला प्रस्ताव 2005 में आया था, जिसे माना नहीं गया, और उसके बाद 2010 में भी इसका प्रस्ताव आया था जिसको भी नहीं माना गया। सरकार ने इसके बाद 2016 में एक कमेटी बनाई, जिसने पहले के प्रस्तावों में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए कुछ प्रस्ताव पेश किए, जिसको माना गया, और इसी प्रस्तावों के अनुसार सचिव स्तर के पदों की ये भर्तियां निकाली गई हैं। अब हम देखेंगे कि लैटरल एंट्री के पीछे, यानी कि लैटरल एंट्री को अनुमति देने के पीछे सरकार का आखिर तर्क क्या है। साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो सरकार का इसके पीछे बहुत ही बेसिक सा तर्क है कि लैटरल एंट्री
जो होती हैं संविदा के आधार पर होती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, किसी विशेष विभाग के लिए, विशेष पद के लिए होती है, वहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है तो यहाँ सरकार को चाहिए विशेष ज्ञान रखने वाले लोग, योग्यता रखने वाले लोग और विशेषज्ञता रखने वाले लोग। इसके लिए सरकार डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर उनको एंट्री देती है। सचिव स्तर पे ये एंट्री अभी शुरू हुई है। इसके पीछे सरकार के दो ही उद्देश्य हैं, एक बहुत अच्छे मैन पावर को बढ़ाना और उसके साथ नई प्रतिभाओं को जो है सक्षम और नई प्रतिभाओं को मौका देना। अब यहाँ पर इसकी आलोचना भी की जाती है, पर आलोचना से पहले हम ये देखेंगे कि क्या अब तक लेटरल एंट्री से भर्तियाँ हुई हैं या पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले एक बार ये भर्तियाँ हो चुकी हैं। इससे पहले सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों के लिए संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए और निदेशक के 40 पदों के लिए सरकार से बाहर के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, ये निर्णय लिया गया था। और जैसे ही डिसाइड हुआ कि हमें इतने लोग चाहिए, तुरंत बोला गया यूपीएससी को, यूपीएससी ने इसके लिए आवेदन निकाले और जो यूपीएससी ने चयन प्रक्रिया बनाई, उस चयन प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने जो आवेदन प्राप्त किए वो 6077 आवेदन प्राप्त किए और 6077 आवेदन में से यूपीएससी ने चयन प्रक्रिया के बाद 9 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और उन 9 लोगों को उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों या विभिन्न विभागों जिनके लिए भी वो था उनको भेज दिया अपनी सिफारिशों को, और उन्हीं की इस सिफारिशों के बाद इनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि अब तक ऐसा एक बार हो चुका है, लेकिन इसकी फिर आलोचना क्यों होती है? आलोचना इसकी सीधे सीधे इसलिए होती है कि इसमें आरक्षण नहीं होता। SC को, ST को और OBC को जो सरकार ने विभिन्न नौकरियों में रिजर्वेशन दिया हुआ है वो लेटरल एंट्री के अंदर नहीं होता, इसी वजह से इनकी जो है आलोचना होती है। और ये जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि ये जो नियुक्तियाँ होती हैं पहले तो सचिव स्तर और निदेशक स्तर पर हो रही हैं या अभी तक होती रही हैं, 2 बार हुई हैं, अभी दूसरी बार है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती हैं। तो कुछ कारण है जिनकी वजह से ऐसा होना संभव भी नहीं है, लेकिन इसका विरोध भी इसलिए हो रहा है। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो क्या संविदा नियुक्तियाँ कोटा के लिए नहीं है, यानी कि यहाँ सवाल ये उठता है कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंट्रीज आती हैं या आवेदन आते हैं क्या उनका उन पर कोटा बेस लागू ही नहीं होता? तो इसमें कुछ नियम है। सबसे पहले हम साधारण नियम जो इसका पहला नियम है देख लेते हैं। 15 मई 2018 को एक सर्कुलर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सरकार के विभिन्न पदों के लिए जो आवेदन आएंगे, आइदर वो परमानेंट आवेदन हो और वो लेटरल एंट्री हो, चाहे वो किसी भी तरह की एंट्री हो, अगर वो आवेदन 45 दिनों या 45 दिनों से ज़्यादा के लिए हैं तो उनमें आरक्षण लागू होगा। यानी कि कोई भी आवेदन सरकार की तरफ से आता है, चाहे वो परीक्षा के माध्यम से लोगों को सेलेक्ट किया जाए, चाहे लेटरल एंट्री के माध्यम से सेलेक्ट किया जाए, अगर वो एंट्री 45 दिनों की या 45 दिनों से ज़्यादा के लिए है तो वहाँ रिजर्वेशन लागू होता है, 45 से कम पर नहीं होता। लेकिन ये तो है साधारण नियम। इसका और भी एक दो नियम है जिनको हम देखते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य नियम है वो है 13-पॉइंट रोस्टर का। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो 13-पॉइंट रोस्टर का मतलब होता है कि किसी भी विभाग में अगर 3 पदों तक की कोई नियुक्ति निकलती है तो वहाँ पे आरक्षण लागू नहीं होता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ए विभाग है और ए विभाग के अंदर 3 पोस्ट चाहिए, 3 लोग चाहिए, तो इनके लिए नो रिजर्वेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक या दो पदों पर भर्ती की मांग जो होती है वो विशेषज्ञता के आधार पर करनी होती है, बहुत इमरजेंसी में भी करनी होती है और वहाँ पे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात जो इसमें मुख्य बात है, 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए आरक्षण व्यवहारिक भी नहीं होता है, दिस इज़ नॉट लॉजिकल, तो इस वजह से ये नहीं होता है। तो ये जो 13 रोस्टर पॉइंट के आधार पर जो नियुक्तियाँ होती हैं इन्हें बोला जाता है सिंगल काडर पद।
सिंगल कैडर पद जो कि इस तरह से होते हैं, एक या दो लोगों की नियुक्तियां होती हैं या लेटरल एंट्रीज होती है इनका, और सिविल सेवा के पदों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए सिविल सेवा के लिए नोटिफिकेशन आया UPSC का और 1000 पद निकले, और उसी समय पे लेटरल एंट्री के माध्यम से अभी ये 30 पद निकले, तो ऐसा नहीं होगा कि उन हज़ारों में से -30 होके वो 970 रह जाएंगे, 970 रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये पहली बात तो एक दूसरे की प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे पे इनका कोई वो लेना देना नहीं है। दूसरा, ये सिंगल कैडर पद होते हैं जो लेटरल एंट्री से निकलते हैं या जो स्पेसिफिक इंटरव्यू के माध्यम से सिंगल लेटरल एंट्री के माध्यम से लिए जाते हैं, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस तरह से एक बार नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई, क्या जो पहले 2018-19 में जो भर्तियाँ हुई थी 9 विभागों के लिए, उनमें यही नियम लागू था जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, या उसमें कुछ और था। 2019 के अंदर 9 व्यक्तियों को जो है अलग अलग विभागों के लिए आमंत्रित किया गया था, यानी कि पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर एक एक आवेदन आया था, तो वहाँ जो है 13-point रोस्टर नियम लागू होता है, वहाँ आरक्षण नहीं था। अगर आरक्षण होता किसी एक विभाग के लिए होता तो वहाँ कम से कम 2 सीटें OBC के लिए होती और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए होती, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो जो आवेदन थे अलग अलग विभागों के लिए वहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। इसी तरह से जो अभी नए आवेदन आए हैं, इसके अंदर 27 निदेशकों के पद है। 27 निदेशकों के पद को अगर एक विभाग माना जाए तो यहाँ पे अगर हम आरक्षण प्रक्रिया को लागू करते हैं तो यहाँ हम OBC को 4 पद देंगे, SC को 4 देंगे, ST को हम यहाँ पर 1 पद देंगे, और EWS श्रेणी के लिए भी हम 2 पद देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है, अगर हम ऐसा करते हैं तो 13-अंक रोस्टर के नियम के अनुसार ही है, जो कि कहता है कि एक विभाग में 3 तक पद पे आरक्षण लागू नहीं होता, 3 से ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो सारे आवेदन आए हैं, ये सारे के सारे अलग अलग आवेदन हैं, अलग अलग विभागों से संबंधित अलग अलग नियुक्तियों के लिए, तो यहाँ पर इसी 13-point रोस्टर नियम के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, नियम यही कहता है। तो ये हो गया ये। अब हम देखेंगे लेटरल एंट्री का इतिहास, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है या अचानक से इन्हीं 5-7 सालों में सब कुछ हो गया, या पहले भी इस पे बातें होती रही है। इसकी शुरुआत मानी जाती है 5 जनवरी 1966 से। भारत में प्रशासनिक सेवा में सुधारों के लिए एक सुधार आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बाद में मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए और उनका ये पद खाली हो जाने पे के हनुमंथैया को बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति ने अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स दी थी, सुझाव भी दिए थे प्रशासनिक सुधारों के लिए। इस समिति ने 20 रिपोर्ट्स दी थी और इसने 537 सुझाव इसमें दिए थे। हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वर्तमान में जितने भी फेरबदल हम देख रहे हैं, जो भी नियम लागू होते हैं, वो इसी समिति के दिए हुए सुझावों पर था। इसके बाद 5 अगस्त 2005 की अगर बात करें तो सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया और इसके अध्यक्ष हुए वीरप्पा मोइली। इस समिति ने भी कई सारे सुझाव दिए। इस समिति का मुख्य सुझाव ये था लेटरल एंट्री को लेके कि जॉइंट सेक्रेटरी का जो पद होता है ना, उसके लिए हमें विशेषज्ञों की भर्ती करनी चाहिए और ये विशेषज्ञों की भर्ती डायरेक्ट बिना किसी परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर होनी चाहिए। 2005 में इस समिति ने जो सुझाव दिया था, बिल्कुल इसी सुझाव को अभी अपनाया गया है। इसके बाद भी समितियां बनती रहीं और वो प्रक्रिया भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि ये सुझाव उस समय दिया गया था 2005 में, लेकिन उस समय की सरकार ने इनको लागू नहीं किया था, खारिज कर दिया था। वो सेम सुझावों को अब लागू किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे 2010 की। 2010 में रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसने भी फिर से प्रशासनिक सुधारों पर एक रिपोर्ट दी। प्रशासनिक सुधारों पर इसने जो रिपोर्ट दी उसमें इसने
प्रशासनिक सुधारों के तरीकों और उम्र सीमा पर विशेष जोर दिया और जो 2005 में सुझाव दिए गए थे उनको अपनाने की बात कही। उस वक्त की सरकार ने फिर से इसको खारिज कर दिया और अब जो नई सरकार बनी है, जो फिलहाल है, उसने इन्हीं सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया है। इसके साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें मैंने आप सभी को बताई हैं लेटरल एंट्री को लेके, जितने आप सभी के डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे और अब आप प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। आप सभी के प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार भी रहेगा। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में PSLV C-51 ने से अमेजोनिया वन का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ये अमेजोनिया वन किस देश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील से। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इस वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए और हमारे अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं, वहां पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।